हाय गाइस, अगर आपके पास शेयर्स है तो आप उसको बिना बेचे इनकम अर्न कर सकते हैं, एंड अगर आपके शेयर्स नहीं है तो आप बिना खरीदे आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं SLBM। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक सेबी की स्कीम है जिसके थ्रू एज ए इन्वेस्टर मैं मेरे शेयर्स किसको रेंट पे दे सकता हूँ, लेंड कर सकता हूँ। कैसे होगा पूरा प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूँ, एंड एज इन्वेस्टर आप भी उसका फायदा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करना है। तो गाइस आइए जानते हैं, पहला पॉइंट है मीनिंग सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम का मतलब है, एज अ लेंडर मेरे को स्टॉक बेचना नहीं है, बट मेरे पास मैं लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए स्टॉक खरीदा है, बट आई वांट टू जनरेट सम एक्स्ट्रा इनकम। तो ये आपको मैं स्टॉक थ्रू सेबी एज पर द स्कीम ऑफ द सेबी में लेंड कर सकता हूँ इंटरेस्टेड बोरोअर्स को, बराबर है। इसका एक प्राइस फिक्स रहेगा, सो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मैं लेंड कर सकता हूँ, एंड बाद में इसका ट्रेडिंग भी होता है। तो ये हो गया फ्रॉम लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ क्वेश्चन इज, बायर क्यों बाय करेगा? सी, बायर का स्टॉक है नहीं और उसको पता है कि इसका रेट कम होने वाला है, तो बायर आपसे क्या करेगा, बोरो करेगा, उसको मैं शॉर्ट सेल करूंगा, जब प्राइस कम होगा मैं खरीद लूंगा। या फिर सेकंड एडवांटेज है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सचेंजेस, दोनों एक्सचेंज के प्राइसेस में डिफरेंस है, तो उसका मैं बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो ये एक बायर का ये है। तीसरा, काफी बार F&O में फिजिकल डिलीवरी देना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं आपके स्टॉक लेके वो भी काम कर सकता हूं। तो ये तीन बेनिफिट्स है बायर के लिए, बट टेक्निकली एकदम सिंपल लैंग्वेज बताऊं, फॉरगेट अबाउट द टेक्निकल वर्ड्स, बायर भी चाहता है कि उसको भी कुछ पैसा बनाए, है ना। मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं इतने सारे शेयर्स खरीद पाऊं, बट विद दिस स्कीम मैं बोरो करके पैसा बना सकता हूं। ओके, स्कीम कैसे काम करेगा? अगर मैं लेंडर हूं तो मेरे को अप्लाई करना पड़ता है थ्रू ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर है उसको बताना पड़ता है कि चेक करो मेरे शेयर्स के लिए ये स्कीम है कि नहीं। अच्छा, हर एक शेयर्स के लिए नहीं है, आपको NSE पे उसका लिस्ट दिखेगा जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये यही शेयर्स एलिजिबल है फॉर दिस स्कीम, हर एक शेयर एलिजिबल नहीं है, तो आपको पहले चेक करना है कि आपके पास जो शेयर है वो एलिजिबल है क्या, देन आपको थ्रू ब्रोकर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करते समय आपको कौन से शेयर्स है, आपको एक ऑर्डर सबमिट करना पड़ता है, उसमें आपको अमाउंट कितना चाहिए, करेक्ट ना, कितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके खर्चा कितना है, आपको आपके डिटेल सब देना है। सेकेंड, बोरोअर भी उसका एप्लीकेशन देगा ऑनलाइन, क्योंकि उसको अमाउंट कितना दे सकता है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, स्टॉक का नाम क्या है, लोन के एक्सपेंसेस क्या है, तो दोनों को अपने प्रपोजल देना है। फिर स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर मैचिंग होता है, एक बार वो ऑर्डर मैचिंग कंफर्म हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप है जो सेलर है जिसने लेंड करने की रिक्वेस्ट आया, ऑर्डर दिया था, उसको एक 25% डिपॉजिट मार्जिन मनी देना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ताकि वो एक बार ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद में पलट ना जाए, है ना, ही शुड फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, तो उसको 25% का एक मार्जिन देना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसका फिजिकली फिर वो ट्रेड होगा, एंड ट्रेड होने के बाद उसका मार्जिन रिलीज किया जाएगा। ऑन द बायर साइड ही हैज टू गिव 125% मार्जिन, जिसमें खाली 25% ब्लॉक रहेगा, बाकी वो यूज कर सकता है, बट उसको इनिशियल देना पड़ता है। फिर बाय क्या करेगा, वो जो स्टॉक लेगा फिर उसको सेल करेगा एज पर हिज पॉलिसी, एंड अकॉर्डिंगली पैसे बनाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होता है? नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 1 month to 12 months होता है। सपोज एक 1 month का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे 1 month कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जो बायर है वो स्टॉक वापस दे देगा, एंड फिर जो लेंडर उसको स्टॉक वापस मिल जाएगा। तो ये इस तरह से स्कीम सिंपल वे में वर्क करता है। नाउ अभी क्वेश्चन है, हु आर द लेंडर्स, है ना, ये लेंड कौन कर सकता है? इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे पहले होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, सब लोग इसमें नहीं आते, ये चार लोग मोस्टली इसमें स्कीम में पैसा देते हैं, स्कीम में पैसा मतलब शेयर्स देते हैं, ताकि बिना शेयर्स बेचे उनको अदर इनकम मिल सकता है, तो उसमें दोनों का फायदा है। सेलर बिना सेल किए उसको एक एडिशनल इनकम मिलता है जो भी उसके लेंडिंग चार्जेस है, एंड बायर व्हाटएवर लोन कॉस्ट इज देयर विद द हेल्प ऑफ लोन कॉस्ट विल बी एबल टू मेक मनी विदाउट बाइंग हाई वैल्यू शेयर्स। तो ये दोनों के स्कीम फायदे का है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, थैंक यू सो मच।